सम्मेलन हो। पटोखर महाराज, अगर आपके पास थोड़ा सा भी सहनशीलता होती तो मेरी आवाज का समर्थन करते और आप कहते कि हां एक ऐसा आयोजन होना चाहिए, आप भी आह्वान करते। मैं आज भी चाहता हूं उन सभी लोगों से कि आह्वान करो एक ऐसे मंच पर जहां पर इस चीज का परीक्षण हो सके, किसके पास सत्य है किसके पास असत्य है। गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु एक गुरु व्यवहारी शक्ति पीठाश्रम शक्ति पुत्र महाराज जी हैं। एक गुरु पंडोखर सरकार जौन के दतिया जिला में है, मध्य प्रदेश माही दोनों गुरु हैं, लेकिन दोनों गुरु आपस में एक दूसरे का काफी कुछ भला बुरा कह रहे हैं। उस दिन पहले शक्ति पुत्र महाराज अबे पंडोखर सरकार सहित कई महाराजन का ही होंगी बाबा बताई, और 21वीं सदी में ही भूत प्रेत जैसे चीजन के ऊपर कई में के सवाल करीन, लेकिन एकर प्रतिक्रिया पंडोखर सरकार दी ही नहीं। यहाँ तक कि पंडोखर सरकार या तक कहीं के अगर जो देश में कानून व्यवस्था ना हो, कानून लागू ना हो, तो शक्ति पुत्र महाराज का हम कहाँ हिरवाए दे या को न जाना। यह पंडोखर सरकार की बोल है, ये अपना पंजन का सुनवाई थे कि का कुछ कहा भाई पंडोखर सरकार की अपना को बताई कि पहले शक्ति पुत्र महाराज को चुनौती देने रहे, और पंडोखर सरकार अब ये चुनौती स्वीकार करके ही अपा कुछ कही नहीं आई। अपना पंजन का हम यह सुनवाई थी। मैंने मैसेज देखा, कोई मुझे ललकारे और हम सुनते रहे, हम उनमें से नहीं है, लेकिन कानून का जमाना है। यदि कानून का जमाना नहीं होता तो उनका पता नहीं लगता कि महाराज जी कहां चले गए। कानून को मैं हाथ में लेता नहीं हूं, कानून कानून काम करता है, हम काम करते हैं। इसलिए खैर समझे महाराज जी अपनी तुम कि तुमको मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जिस दिन कर दूंगा तो पता नहीं लगेगा कहां चले गए। इसलिए कानून का सारा लीजिए और कानून से ही हमसे बात करें तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी, अन्यथा पता नहीं होगा महाराज जी आप दुनिया में कहां थे कहां चले। आपने मेरा नाम लिया, अभी तक तुम जिनके नाम लेते रहे होंगे, मैं पंडोखर धाम का स्वतंत्र पीठ का पीठाधीशर हूं, मैं किसी के अधीन नहीं हूं। आपने किसी अन्य लोगों के चलते क्रम नाम में मेरा नाम लिया है, उनने भलाई आपको जवाब नहीं दिया हो, लेकिन महाराज जी जिस चैनल पर तुम्हारा नाम चल रहा है, जिस चैनल पर तुम्हारा प्रसारण हो रहा है, जिस चैनल पर आप मेरे बारे में बोले हैं, मैं उसी चैनल से मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए, आंखें और कान खोल, आप शक्ति पुत्र, किसने तुम्हें शक्ति पुत्र बनाया, कौन है तुम्हारा दाता, कौन है तुम्हारा जन्मदाता, किसने तुमको शक्ति दी और किसने तुमको धर्म सम्राट बनाया। मैं भी पंडोखर धाम का पीठाधीशर त्रिकालदर्शी सम्राट के नाम से भक्त जानते और मानते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। तुम कौन कैसे कह सकते हो कि तुम धर्म सम्राट हो? अरे स्वामी, इस जगत के साक्षात परमात्मा स्वरूप वह परमहंस करपात्र जी महाराज जी को आपने नाम नहीं सुना, आपने आदिगुरु शंकराचार्य जी का नाम नहीं सुना, आपने उनके आख्यानों को नहीं सुना पड़ा? क्या आप भारत भूमि से नहीं हो? किस भूमि से आप प्रगटे हो? शक्ति पुत्र जी सावधान। आप पंडोखर सरकार गुरु शरण जी किससे फंस गए हैं? आप और किसी के नाम लेते रहते? मैं गुरु शरण हूं, पंडोखर धाम का पीठाधीशर हूं, आप श्री शक्ति पुत्र हैं। किस बेवकूफ ने तुम शक्ति पुत्र बना दिया और कहां से तुम शक्ति पुत्र हो? आपको इतना अहंकार अहम है? उम्र में बड़े आप हो सकते हैं, ज्ञान में भी आप बड़े हो सकते हैं। मैं ज्ञान में तो बड़ा सुन्न हूं, मैं कोई कथावाचक तो हूं नहीं। और जिन्होंने जवाब नहीं दिया, चाहे वो संत आसाराम बापू हो,
चाहे संत हमारे मुरारी बापू जी हो, चाहे हमारे अन्य भाई जन हो, चाहे संत श्री रामपाल जी हो, आपने अनेकों नामों में मुझे कैसे घुसेड़ा? तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? अरे तुम में इतनी ताकत है तो पंडोकर धाम का दरबार भारतवर्ष में ही लगता है। अभी तक तुमने कौन से किस किस सिंह उखाड़ लिए? कौन सा तुमने अभी तक कैंप चला करके तुमने बहुत बड़ा झंडा घुमा लिया? आपने कहा कि पंडोकर सरकार जैसे तुम्हारी फोटो के चित्र के सामने कोई कह दे तो काम हो जाता है। तुम्हारी जितनी किताब में छपा है वो मेरी 24 घंटा जेब में रहता है महाराज जी, नोट करिएगा। जो अपनी बात से मुकरे वो अपने बाप का नहीं हो सकता, डॉट डॉट डॉट। मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता। मैं जिला भिंड का गुरु हूं, ध्यान रखो मध्य प्रदेश का हूं, और तुम भी मध्य प्रदेश में अनेकों जगह जब इतने ही ज्ञाता थे तुम घोषणा करके जबान बदल गए, और प्रदेश में आपने कई जगह पर आपकी बेटी जिसकी अध्यक्ष और आप लोग जो पार्टी बना के बैठे हो, कौन सा आपने क्या बिगाड़ लिया? आप तो शक्ति पुत्र थे, आवाज चला देते, पूरे वोट अपने पेटी में डाल लेते। और आज सवाल में बताने की बात, तो मैं पूरे दुनिया में हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा कोई सिंगल वीडियो बताएं जिसमें मैंने कहा हो कि तुम पे ऐसा मैं कर दूंगा, पता नहीं पड़ेगा तुम कहां चले गए, और तुम पे ऐसी शक्ति छोड़ दूंगा। हम शक्ति छोड़ने वाले नहीं, हम शक्तियों का समाधान करने वाले गुरु हैं, और तुम में दम हो तुम छोड़ के दिखाओ, मैं 2 मिनट में आपकी शक्ति को नष्ट कर दूंगा। आपको यह पता है कि मेरे पास कौन सी शक्ति है? तुम शक्ति पुत्र हो तो तुम्हें ना अपनी शक्ति की ही शपथ है, मेरी शक्ति वहीं से लॉक कर दो। छोटी मोटी शक्तियां तो आप वहीं बैठ के लॉक कर सकते हो, तो कर दीजिए, करके दीजिए। तो मैं माता भगवती जिसकी दुहाई है, जिसके नाम से आप शक्ति पुत्र जाने जाते हो, तुमको और तुम्हारी जो देवी है, जिस देवी के नाम से, जिस 50 शक्ति को जो आपने केंद्रित वशीकरण के रूप में सिद्ध कर रखी है, मैं उसी को चैलेंज करता हूं। तुम्हारे पास जो भी शक्तियां हो सबको एक बार में चुटकी बजाते ही सत्यानाश कर दूंगा। हम भी किसी गुरु का चेला है, और तुम कह रहे कि तुम मेरा कोई रॉम बिगाड़ सको, तो मैंने तो आज तक किसी का रॉम बिगाड़ा नहीं। मैं अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं करता, मैं वाक्य सिद्धि के माध्यम से, माता सरस्वती के शब्दों के माध्यम से मैं आप पर वार कर रहा हूं। तुम में दम हो तो मेरे शब्दों को काट के दिखाओ। शास्त्र की बात करोगे मैं आपको जवाब दूंगा, हिटलर गिरी की जवाब दोगे तो किसी मैदान में आ जाओ, कबड्डी हो जाने दो, चाहे दंगल हो जाने दो, उठा के तुम्हें नहीं फेंके, तुम्हारे 2 मुद्दा तोड़ के नहीं फेंके तो मेरा नाम बदल देना। मैं गोली तो चलाता नहीं क्योंकि मैं डाकू तो हूं नहीं, गुंडे तो हूं नहीं, ब्राह्मण कुल से जन्मा हूं। लेकिन तुमने मुझे लिया कि पंडोकर सरकार, तो मैं खुला चुनौती निमंत्रण देता हूं। अरे तुमको मैं चुनौती देता हूं कि तुम में दम हो तो वहां से बैठ के मेरी शक्ति खत्म कर दो, और इतना नहीं है तो किसी चेला को भेज दो। मैंने ना बता पाया, उसको ना मुर्गा बना पाया, तो मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा, संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। और नहीं तुम में दम हो तुम्हारी देवी बता सके, आपकी देवी जो बता सके कि नहीं कि पंडोकर सरकार की शक्ति में रोक लेती हूं और रोक लूंगी मैं, तो भी पंडोकर सरकार की संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं परम पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज का शिष्य हूं। मैं पहले तो किसी शिष्य का अनादर करता नहीं, जो मुझे कोई छेड़ता है मैं छोड़ता नहीं। होंगे वो जिनको आपने छेड़े हैं उन्हें जवाब नहीं दिया, आपका मुकाबला पंडोकर सरकार से है, तेरी जैसी शक्ति 24 घंटे मेरे हाथ जूतों पे पालस करती है, गेट पे खड़ी खड़ी। माता भगवती का मैं भी भक्त हूं, मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी बांके बिहारी का भक्त हूं, मैं भी परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आत्मानंद का भक्त हूं, लेकिन जिसने तुझे आपको शक्ति पुत्र बनाया और तू कहता है मैं धर्म सम्राट है, मैं तेरी धर्म सम्राट की शक्ति को चुनौती देता हूं और ठेंगे पर रखता हूं। और कहते हो कि किस मेला में मिल लो, जिस मेला में चाहो वहां मिल लो, दम है पंडोकर धाम में प्रतिद्वार दरबार चलता है, तो सब लोग कहेंगे कि धैर्य पे कुत्ता भूकते हैं, अपने धैर्य का कुत्ता शेर होता है, लेकिन मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, तुम जहां भी मिलना चाहो वहां मिल लेना। सार्वजनिक मध्य प्रदेश में, दतिया में, छतरपुर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में एक आम सभा लगाइए और उसमें मुझे पत्र भेजिए, और पत्र में तुम्हारा कोई दूत आएगा, मैं निमंत्रण स्वीकार करूंगा।
मैं प्रतियोगिता करता नहीं और प्रतियोगिता छोड़ता नहीं। मैंने जब भी कहा होगा, किसी से भी कहा होगा, मैंने यह कहा होगा कि तुम बुला लेना, मैं आऊंगा। मेरे पुराने से पुराने वीडियो देख लो, मैं अपने घर पे बुलाऊंगा और बेइज्जती करूंगा, तो ये मेरे बस की बात नहीं। मैं असाधारण अपने गुरुदेव का नाम नहीं ले जाऊंगा कि मैं अपने घर बुलाऊंगा, किसी की बेइज्जती करूं। तुम जहां चाहो तुम अपना दूत भेजना, अपना कार सेवक भेजना और एक कैमरा भेजना। यदि उसका निमंत्रण स्वीकार न करूं और शक्ति पुत्र को चार जगह से तोड़ के नहीं फेंका तुम्हारे ही मैदान में आके, तो पंडोकर धाम का नाम बदल देना। आपके लिए जवाब इतना ही है। और तुम में शक्ति हो, संपूर्ण जितने चाटुकार सुन रहे हो शक्ति पुत्र के, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लीजिए। आप तुम्हारे ही गुरु ने, तुम्हारे ही आदर्श पुरुष ने छेड़ा है मुझे, और आप अपने चेलों के सामने बड़ी बड़ी बातें हांक रहे थे। तुम मर्द हो और तुम कह रहे हो जिसने अपनी मां का स्तन का दूध पिया हो, इससे ही पता लग गया तुम कितना बड़ा शक्तिमान है और कितना बड़ा तू देवी का भक्त है। अरे किसी को और को बेवकूफ बना, आंखें मिचवा और लाल लाल तरंगियां दिखवा। मैं भिंड जिले का गुरु हूं, मध्य प्रदेश दतिया में रहता हूं, और ये मेरा वृंदावन धाम है, पंडोकर धाम, जहां पांडवों की तपोभूमि है, राजा मरुत की तपस्या स्थली है। मैं इस पीठ का स्वतंत्र रूप से पीठाधीश्वर हूं। तुम कभी किसी भी शंकराचार्य को, कभी किसी भी महामंडलेश्वर को, क्या तू कहां से बन के आया वेदपाठी भैया? तेरे पास तुम्हारे वाक्यों में दम नहीं है, तुम्हारे शब्दों में कुछ नहीं है। कुछ लोग जुड़ जाते हैं, दो दो रुपया में आ जाते हैं, तो मैं उनको भक्त नहीं समझता। और कहो अपने गुरु से, तो मैं सभी शिष्यों को शपथ है शक्ति पुत्रों को, अपने गुरु को चुनौती स्वीकार कराने की आगे प्रेरणा दो, करा लो कहां आप अधिवेशन कराना चाहते हो। लेकिन वहां का कलेक्टर, वहां का डीएम, कलेक्टर ही डीएम होता है, कहीं कहीं डीएम बोला जाता है, कहीं कहीं कलेक्टर बोला जाता है, और जहां के आपके जिला प्रशासन के जो भी प्रदेश के नेतागण हो, और साथ में तुम्हारे जो भी आधिकारिक कर्मचारी हो, तुम्हारे जो भी मंडल के सहयोगी जन हो, एक साथ सबको बुला लेना और सबको वहीं उतार के आऊंगा, नंगा कर दूंगा, मुर्गा बना दूंगा। होगा तू अपने घर का ब्रह्मचारी? जिस टाइम मैं गद्दी पे बैठा करता था तो तुम चार छोटी छोटी मोड़ियां ढूंढते थे कि हम बच्चों को शिक्षा देंगे, दिव्य ज्ञान देंगे, लोगों को वो जो ब्रह्म ज्ञान का दर्शन कराएंगे, साक्षात त्राटक की क्रिया जागृत कराएंगे, साक्षात आपको आज्ञा चक्र जागृत करेंगे। आप अतीत में जाओ, आज पंडाल बड़ा बड़ा लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया के गुरु हो गए हो। यह स्वतंत्र भारत है। यदि आप संतों का साथ लेके चलोगे तो मान सकता हूं कि तुम शक्ति पुत्र हो सकते हैं, लेकिन आपने एक बात कहा, जिसने अपनी मां का स्तन का दूध पिया, ये कौन सा बात भक्त है, कहां से लेके आए हो? मैं तो कहता हूं जो अपनी बात का नहीं अपने बाप का नहीं। और आप नोट कर लीजिए, दूध तो सभी ने पिया बेटा, तो महीने के लिए नहीं पिया, हमने भी पिया है, तोड़ दूंगा कई जगह से, पता नहीं पड़ेगा तुम्हें, जितने आपने जो दाढ़ी रखा रखी ना, कितनी बार तुमने सेटिंग में बनवाई होगी मुझे पता है, और इतने बड़ा योगी होता तो जमीन में खचोर रही होती। और शक्ति पुत्र जी, आपका संगठन बड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी जबान कम कर लो, जीभ में लगाम लगाओ, नहीं जीभ काट ली जाएगी। वाक सिद्धि और साधना और तप और अनुष्ठान और योग ज्ञान के माध्यम से आपने जिन जिन को चेतावनी दी है, देते रहिए, वो आपकी उम्र के होंगे, मैं बच्चा हूं, सहन नहीं करता हूं, सावधान। और फिर आपका इंतजार करता हूं तुम्हारा वीडियो का, और यहां से गलेगा चमाटा। क्रिया आपने की, प्रतिक्रिया प्राप्त करो, और धन्यवाद। यदि आप यही रोकना चाहते हो युद्ध, तो यही रोक लो, और नहीं तो द्वारा डाल के देखो, इससे करारा जवाब मिलेगा। आप रोम उखाड़ने की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास ये विद्या नहीं है रोम उखाड़ने वाली, रोम जोड़ने वाली है। तुम्हें उखड़ गए हो तो आ जाओ, मैं उसका वृक्षारोपण कर दूंगा, खीला गुच्च गुच्च के सब, जैसे सिर में लगाए जाते बाल। आजकल टेक्निक आ गई, विज्ञान का टेक्निक आ गई है। धर्म पर अंगुली उठाने वाले लोगों, सनातन को नीचे दिखाने वाले लोगों, सावधान।
मैं पंडोकर धाम से गुरु शरण बोल रहा हूं। तुम्हारा गर्ज हो, तुम्हारा पेट पुरारा हो, तुम्हारा पैर में दर्द हो रहा हो, तुम्हारा सिर पुरारा हो, तुम पागल हो गए हो, तो पंडोकर धाम आओ, नहीं तो अस्पताल है वहीं इलाज करा लो। काय अंधविश्वास में पड़ रहे। शक्ति पुत्र जी के यहां से सैकड़ों भक्त हमारे यहां आते हैं, हो सकता है कि इसी में दो चार से बैठे हो। शक्ति पुत्र को कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाए भैया। शक्ति पुत्र को कौन कौन जानता, जानते हो शक्ति पुत्र को आप? आप गए उनके शिविर में? तुम्हारे गांव के बगल है, कौन सा गांव है उनका? खड़े हो हैं? भगवा पास में आओ, माइक दो उनको। वाह किस्मत लो, मैं अपनी धैरी से बोल रहा हूं, उनकी धैरी के लोग आ गए। कहां के हो भैया? कहां के? गुरुजी प्रणाम। मीठा खुश हो, कहां के हो? कौन मैं? आप कहां के हो? मैं फतेहपुर का निवासी हूं जी, और मेरे गांव के बगल में ही, करीब 5 किलोमीटर के बगल में उसी गांव के हैं वो रहने वाले। उनका गुरुजी मैं क्षमा चाहूंगा, कोई अस्तित्व नहीं है जब मैं उनके गांव के 5 किलोमीटर बगल का रहने वाला। अगर वो अपने उनके गांव का एक व्यक्ति को अगर सपोर्ट कर दे तो मैं जो कहो मैं हार जाऊंगा। हो गई भैया प्रतियोगिता, हो गई भैया। आपको नाम कहा है? हमारा नाम शिवभोल सिंह है। मोबाइल नंबर कहा है आपको? 9839240336। भाई साहब झूठी बोल रहे हो तो इनके फोन में पूछ लो, कन्फर्म कर लो ये वीडियो तुम्हारा ही आका है। अब मैं महाराज शक्ति पुत्र जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरी उम्र में बड़े हो, बड़े भाई हो, आप एक एक ऐसा हमारे गांव के आसपास का बुला के फोन कर लेना, एक एक वीडियो में डाल देना। यह सत्य है, यह सत्य है महाराज जी। संसार पग पग भारी है, जब आप नहीं थे तो तुलसीदास जी महाराज थे, जब तुलसीदास जी महाराज नहीं थे तो वाल्मीकि जी महाराज थे। तो ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता जरूर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? प्रश्न के उत्तर देने की क्षमता सबके पास होना चाहिए, लेकिन यह मत सोचो तुम या हम कि हम ही इस दुनिया के अंतिम हैं और हम ही प्रारंभ हैं और हम ही लास्ट हैं, ऐसा नहीं है। जो कृपा मेरे ऊपर है, हमारे पूज्य श्री आतिनवाज का आशीर्वाद है, उनके ऊपर भी किसी गुरु का आशीर्वाद होगा और उनके ऊपर भी किसी का गुरु का आशीर्वाद होगा। जो चीज संसार में बनी है उसका बीज कहीं तो सुरक्षित है। बस मैं चला आया था इसीलिए।